वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि पिछले सेशन में मैंने आपको कुछ वोकैब बताई थी, वोकैब का सेशन हम नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे और जो वोकैब बताऊंगी वो आपको न्यूज़पेपर के थ्रू बताऊंगी। तो अभी मैं आपको जो कुछ क्वेश्चंस बता रही हूँ वो है फिल इन द ब्लैंक्स, और फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस भी हर एग्ज़ाम के अंदर आते हैं। अगर मैं डिफेंस की बात करूँ तो आर्मी क्लर्क, एयरफोर्स, NDA, CDS सभी डिफेंस के एग्ज़ाम्स में ये पूछा जाता है। तो इससे रिलेटेड ही मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता रही हूँ और कैसे सॉल्व करना है वो भी बताती हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स ये जो टॉपिक है, या मैं कहूँ ये जो पोर्शन है हमारा जो एग्ज़ाम्स के अंदर पूछा जाता है, ये ग्रामर का कंप्लीट आप कह सकते हैं एक पोर्शन होता है, जिसके अंदर ज़्यादातर जो मैं टॉपिक की अगर बात करूँ तो जो पूछे जाते हैं वो है हमारा सबसे पहले टॉपिक आर्टिकल। आर्टिकल से रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक्स बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। उसके अलावा जो दूसरा हमारा टॉपिक ग्रामर का आता है वो है हमारा प्रपोजिशन। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं, एरर के अंदर भी पूछा जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछा जाता है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में भी प्रपोजिशन का बहुत ज़्यादा रोल रहता है। और प्रपोजिशन के अंदर ही फिक्स्ड प्रपोजिशन या फिर फ्रेजेस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके अलावा मैं बात करूँ तीसरा टॉपिक जो हमारा पूछा जाता है, दैट इज कंजंक्शन। आपको क्लियर होना चाहिए दो ऑल दो का मीनिंग, उसके अलावा बिकॉज, ये सारे जो कंजंक्शंस हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए, तो फिल इन द ब्लैंक्स इजी हो जाता है हमारे लिए। और फोर्थ जो आपसे पूछा जाएगा टॉपिक फिल इन द ब्लैंक्स में, दैट इज़ टाइम एंड टेंस। ये बहुत अच्छे से आपको टॉपिक क्लियर होना चाहिए, और मैं अपने इस क्लास के अंदर बहुत अच्छे से डिटेल में ग्रामर का पोर्शन पढ़ाती हूँ। तो आप लोग टॉपिक्स जो है बहुत अच्छे से जब क्लियर कर लेते हैं तो क्वेश्चंस जब सॉल्व करते हैं तो ग्रामर का पोर्शन ध्यान में रखते हुए सॉल्व कीजिए। अब नेक्स्ट इसी के अंदर जो पूछा जाता है, दैट इज प्रोनाउन। और प्रोनाउन की भी हम अगर मैं बात करूँ तो इसमें इम्पॉर्टेंट रहता है रिलेटिव प्रोनाउन। इससे रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक काफ़ी बार पूछा भी गया है। उसके अलावा मैं अगर बात करूं तो नेक्स्ट पोर्शन कह सकती हूं जो इंग्लिश का बहुत इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ वोकैब। और इंग्लिश को समझने के लिए आपको वोकैब बहुत ही अच्छी करनी होती है, यानी कि वोकैब का नॉलेज जो है अपना इम्प्रूव करना चाहिए आपको। इसके लिए डेली आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ें और रीडिंग आप अपनी बहुत अच्छी रखें। रीडिंग अगर आप अच्छी रखेंगे तो आपका रीडिंग वाला यानी कि कॉम्प्रिहेंशन में जो आपका क्लोज टेस्ट आता है या फिर कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जो पूछा जाता है वो बहुत ही अच्छे से आप कर सकते हो अगर आपकी रीडिंग फास्ट है। तो ये जो है पोर्शंस आपको बहुत, या मैं ग्रामर के टॉपिक्स की बात कर लूँ, ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर होने चाहिए तो आप फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो आसानी से कर सकती हैं। अब नेक्स्ट हम इसी में बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की, कि आपको कैसे फिल इन द ब्लैंक्स सॉल्व करना है अगर आपको ग्रामर के पोर्शंस जो है या ग्रामर के टॉपिक्स जो हैं बहुत अच्छे से क्लियर हैं। तो इन टॉपिक्स पे थोड़ा सा अच्छे से फोकस करें, इनको बहुत अच्छे से देखें आप लोग। मेरा यहाँ पर कहने का मतलब है अगर फिल इन द ब्लैंक्स आप सॉल्व करना चाहते हैं तो चलिए। तो फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, द पासर्स बाय, जैसे कि मैं पासर्स बाय का भी कई बार बताती हूँ आपको कि नाउन के अंदर एरर पूछा जाता है, क्या मीनिंग होता है पासर्स बाय का, राहगीर, पासर बाय होता है, पासर बाय का जो प्लूरल बनता है दैट इज़ पासर्स बाय। कभी भी ऐसा मत कीजिए कि बाय के साथ एस लगा दे, वो गलत होता है। सिंगुलर से प्लूरल नाउन बनाते वक्त आपको ये ध्यान रखना होता है कि एक ऐसा वर्ड है जिसके लास्ट में एस ना लग के मिड में एस लगता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। और पासर्स बाय का हिंदी में मतलब होता है राहगीर। द पासर्स बाय वर वेरी हैप्पी। अब यहाँ पर आपका एक ब्लैंक है, द फ्रेंडली एंड वार्म ट्रीटमेंट।
यानी कि राहगीर जो थे वो बहुत ज़्यादा खुश थे। खुश क्यों थे? उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया गया था, इस वजह से वो खुश थे। तो यहाँ पर ब्लैंक है, आपको इसके अंदर फिल करना है। बाय टू फोर, फोर्थ वन इज अबाउट। ये चार प्रपोजिशन मैंने आपको दिए हैं, तो इन चार में से आपको यहाँ ब्लैंक जो दिया हुआ है उसके अंदर आपको फिल करना है। और एक चीज़ ध्यान रखें, अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ग्रामर का फिल इन द ब्लैंक्स में प्रपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या फिल होगा प्रपोजिशन। तो द पासर्स बाय वर वेरी हैप्पी, यानी कि जो रागीर थे वो बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया गया था। तो यहाँ पर कौन सा प्रपोजिशन फिक्स बैठेगा या फिर अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हमें यहाँ पर फिल करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, बाय। बाय का यूज़ क्या हो सकता है? वेरी हैप्पी बाय द फ्रेंडली एंड वार्म ट्रीटमेंट, यस हो सकता है, एक बार हम ध्यान में रखते हैं इसको। सेकंड देखते हैं, टू का यूज़ क्या हो सकता है? तो याद रखिएगा, हैप्पी के साथ टू प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं होता है। और थर्ड वन देखें तो फोर, यस फोर का यूज़ हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अगर कोई पर्सन आता तो हम फोर का यूज़ कर देते, आई एम हैप्पी फॉर यू, यानी मैं आपके लिए खुश हूँ। या फिर मैं बात करूँ हैप्पी के साथ जो ज़्यादा यूज़ होता है प्रीपोजिशन, दैट इज़ विथ। विथ का यूज़ किया जाता है, जैसे आई एम हैप्पी विथ योर परफॉर्मेंस, आई एम हैप्पी विथ योर यूनिट, आई एम हैप्पी विथ योर मेम्बर्स ऑफ द फैमिली। तो यहाँ पर आप विथ का यूज़ ज़्यादा देखेंगे हैप्पी के साथ। उसके अलावा फोर्थ ऑप्शन देखती हूँ, अबाउट। तो यहाँ पर अबाउट का जो ऑप्शन है वो नहीं बैठ सकता क्योंकि के बारे में ऐसा कुछ मीनिंग नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन भी नहीं आएगा। उसके अलावा हैप्पी के साथ अबाउट प्रीपोजिशन का भी यूज़ इंग्लिश में नहीं होता है। ज़्यादा जो यूज़ होता है दैट इज़ विथ, उसके अलावा फोर, उसके अलावा यूज़ होता है बाय का। अब मैं यहाँ पर बात करूँ, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है, तो हमारा यहाँ ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये किस वजह से होगा मैंने क्लियर कर दिया। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है करेक्ट वो होगा फोर्थ, यानी कि जो राहगीर थे वो खुश के थे। अब मैं ये भी बता देती हूँ आपको कि कैसे हमें पता चला कि बाय ही क्यों लगा, फोर भी तो लग सकता था। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर कीजिएगा कि ये जो स्टेटमेंट आगे का कहा गया, द फ्रेंडली एंड वार्म ट्रीटमेंट जो उनके साथ किया गया, तो यानी जो ट्रीटमेंट किया है वो किसी और ने किया होगा, तभी तो पासर्स जो बाय थे यानी कि राहगीर थे वो खुश हुए। तो ये एक्शन किसी के द्वारा किया गया, तो इस वजह से हैप्पी के साथ जो प्रीपोजिशन है वो बाय का यूज़ किया गया। तो यानी बहुत बार ऐसा होता है कि हमें सेंटेंस को भी ध्यान में रखना होता है, क्योंकि काफ़ी वर्ड्स ऐसे होते हैं जो बहुत सारे प्रीपोजिशन को फॉलो करते हैं लेकिन सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें फिल करना होता है। तो फर्स्ट आपको सेंटेंस क्लियर होगा। चलिए अब नेक्स्ट एक और सेंटेंस देख लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर ही। सेंटेंस यहां पर है, द हायर यू गो द मोर डिफिकल्ट इट। अब यहां पर ब्लैंक दिया है, सेंटेंस यहाँ पर है हमारा, द हायर यू गो द मोर डिफिकल्ट इट, ब्लैंक है, टू ब्रीथ। इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है बिकेम, सेकेंड ऑप्शन है बिकम्स, एंड थर्ड ऑप्शन है हैव बिकम, एंड फोर्थ वन इज had become।
तो ये हमारे चार ऑप्शन हैं इस ब्लैंक को फिल करने के लिए। अगर मैं सेंटेंस देखती हूँ, सबसे पहले द हायर यू गो, मतलब जितना ज़्यादा आप ऊंचाई पे चढ़ते हैं उतना ज़्यादा आपको मुश्किल होती है सांस लेने में। और एक चीज़ यहाँ पर और अच्छे से ध्यान रखिएगा, ग्रामर का ही रूल, कि आर्टिकल द का यूज़ कंपैरेटिव डिग्री से पहले तभी होता है जब किसी सेंटेंस के अंदर इंक्रीमेंट शो होता है, और दोनों साइड हमने कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का यूज़ किया। इससे रिलेटेड भी फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर या एरर के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये मैं कई बार क्लास में बताती भी हूँ। तो चलिए, अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूँ तो ये एक नॉर्मल सेंटेंस है, ऐसा होता है, ऐसा करते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस को डिनोट करते हैं। तो यानी कि ये जो क्वेश्चन हमारा पूछा गया है वो टेंस से रिलेटेड पूछा गया है, जैसा कि वर्ब से रिलेटेड है या फिर वर्ब यहाँ पर फिल करनी है। तो जब जर्नल सेंटेंस है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को यहाँ पर फॉलो करना चाहिए हमें। तो मैंने जब क्लियर कर दिया है आपको कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को फॉलो करना है, तो यहां पर ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता और ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता और ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड बिकम्स हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसा होता है तो ऐसा होता है। जब ये स्टेटमेंट्स हम बोलते हैं तो इनको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें फटाफट देखना ही नहीं है, समझना है बस इसको और फटाफट आंसर लगा देना, ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पर अपना वेस्ट नहीं करना है एग्जाम के अंदर। उसके अलावा एक चीज़ आपको मैं और बता दूँ, ब्रीथ जो वर्ड है यहाँ पर BREATH, ब्रीथ वर्ड का जो मीनिंग है सांस लेना, याद रखिएगा BREATHE अगर कर दिया तो वो वर्ब बन जाएगी, और अगर मैं ब्रीथ यहाँ पर लिखूंगी तो वो नाउन बन जाएगी, जिसका मतलब होता है सांस। याद रखिएगा, ये कई बार कंफ्यूजिंग वर्ड के अंदर भी आता है, ब्रीथ और ब्रीथ में क्या डिफरेंस है। तो ये वर्ब है, बिकॉज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी इन्फिनेटिव फॉर्म बना, और ये नाउन का फॉर्म होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको सेकेंड फिल इन द ब्लैंक्स क्लियर किया। चलिए नेक्स्ट हम एक और सेंटेंस देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, द गर्ल्स वर डिसअपॉइंटेड लड़कियां थी वो नाखुश थी बिकॉज they had hoped, यहां पर ऑप्शन आपको दिया हुआ है, जैसे कि फर्स्ट वुड हैव गॉन, सेकेंड ऑप्शन है हमारा टू हैड गॉन, एंड थर्ड ऑप्शन इज टू हैव गॉन, एंड फोर्थ ऑप्शन इज टू गो। यानी कि चार ऑप्शन है हमारे इस ब्लैंक को फिल करने के लिए। तो फर्स्ट हम सेंटेंस देख लेते हैं क्या है वापस से, द गर्ल्स वर डिसअपॉइंटेड बिकॉज दे हैड होप्ड विद अस। अगर आपको ग्रामर के रूल्स या ग्रामर बहुत अच्छे से क्लियर है इंग्लिश की, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बहुत कम टाइम लगेगा, यानी विद इन सेकेंड्स आप इस सेंटेंस को सॉल्व कर सकते हो। मतलब इस सेंटेंस को पढ़ते ही आपको ऑप्शन देखते हैं आंसर आ जाना चाहिए। लेकिन अगर आपको क्लियर नहीं है तो थोड़ा सा आप समझ भी सकते हो इसको कैसे, कि अगर मैं फर्स्ट सेंटेंस की फर्स्ट ऑप्शन की बात करूं तो वुड हैव गोन, अब यहां पर सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है, तो वापस से हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब विदाउट कंजंक्शन विदाउट एनी रिलेशन रिलेटेड वर्ब कोई भी आप समझ लीजिए, जैसे कंजंक्शन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, इनके बिना आप डायरेक्ट वापस से मेन वर्ब का यूज नहीं कर सकती। या तो फिर वो नाउन से रिलेटेड वर्ब बन सकती है तो उसका यूज किया जा सकता है, अदरवाइज आप यूज नहीं करेंगे। तो
यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा वो कैंसिल हो जाएगा। आप सेकंड ऑप्शन की बात करूँ तो ये वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। देखिए आप ध्यान रखिएगा, टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब यूज होती है और जिसे हम कहते हैं इन्फिनेटिव। अब देखिएगा यहाँ पर हैव की अगर मैं बात करूँ, दिस वन इज अ कॉजिटिव वर्ब, यानी कि ये कॉजिटिव वर्ब है और हैज और हैव को एज अ कॉजिटिव वर्ब जब यूज़ किया जाता है तो ये फर्स्ट फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म के रूप में यूज होती है और इसकी जो सेकेंड फॉर्म बनती है दैट इज हैड एंड थर्ड फॉर्म ऑल्सो हैड। तो यहाँ पर मैं इस रूल को अगर देखूँ तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में ये आना चाहिए, ना कि हैड यानी कि सेकेंड या थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। तो ये ऑप्शन भी हमारा कैंसिल आउट हो गया। अब मैं इसकी बात करूँ यहाँ पर टू हैव गोन, तो यहाँ पर टू हैव गोन लगाने की ज़रूरत भी नहीं थी क्योंकि टू हैव जो है कई बार शुड के जैसा मीनिंग देता है, तो शुड का भी अर्थ यहाँ पर टू हैव गोन ये नहीं दे रहा था। अब यहाँ पर देखें फोर्थ ऑप्शन, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा क्योंकि हमने तीन ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट कर दिए थे। अब हमारा फोर्थ आंसर ही क्यों हुआ, तो एक सिंपल सा मैंने कहा था विद इन सेकेंड आप सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को। तो हॉप जो एक वर्ब है वो हमेशा जब भी किसी सेंटेंस में यूज होगी तो इसके बाद आने वाली वर्ब जो है वो नाउन होगी, यानी कि एडवर्बियल जिसे हम नाउन कहेंगे। तो वो जो होप है वो हमेशा इन्फिनेटिव फॉर्म को फॉलो करेगी, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। इन्फिनेटिव को फॉलो करती है यानी कि इसके डायरेक्ट मतलब होप के जस्ट बाद में आपको हमेशा क्या यूज़ करना है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे अग्री वर्ब है इसके साथ में भी आपको इन्फिनेटिव फॉर्म फॉलो करनी है। तो मैंने कहा अगर आपको ग्रामर के रूल्स क्लियर हैं तो आप विद इन सेकेंड ये सॉल्व कर सकते थे, अदरवाइज आप सेंटेंस को समझें और मीनिंग देखें और उसके बाद अपना ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करें। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ अभी, आई होप आप सभी को क्लियर हो रहा होगा। और जैसा कि मैं ग्रामर बहुत बेसिक से बहुत डिटेल में पढ़ाती हूँ, तो जो भी बच्चे जो ग्रामर मुझसे पढ़ चुके हैं वो अपनी नोटबुक को वापस से एक बार चेक करें और क्वेश्चंस को देखते जाएं कि मैं क्या बता रही हूँ आपको और किस तरीके से आपको ग्रामर के रूल्स को ध्यान रखना है और एग्ज़ाम्स के अंदर जो है आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पर फोर्थ वन इज़ शी, इसके बाद हमारे पास ब्लैंक है, किसी बंदे का नाम है जैसे कि शी स्टूड, ब्लैंक है अरुण। उसके बाद बट कुड, देखिए सेंटेंस हमारा शी स्टूड ब्लैंक अरुण बट कुड नॉट अटर अ सिंगल वर्ड फॉर क्वाइट सम टाइम। हमारा यहाँ पर सेंटेंस है सी स्टूड ब्लैंक अरुण बट कुड नॉट अटर अ सिंगल वर्ड फॉर अ क्वाइट सम टाइम। और इसके लिए हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो हैं जैसे कि अबाउट, सेकंड है टू, आफ्टर एंड फोर्थ वन इज बिफोर। ये चार ऑप्शन है हमारे पास इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए या फिर इस ब्लैंक को कंप्लीट करने के लिए। जैसा सेंटेंस वापस देख लेते हैं, क्या है सी स्टूड ब्लैंक अरुण बट कुड नॉट अटर अ सिंगल वर्ड फॉर क्वाइट सम टाइम, यानी कि समझ में आ रहा होगा कि वो जो है वो खड़ी थी, अरुण क्या कहना चाह रहे हैं देखते हैं, बट कुड नॉट अटर, लेकिन वो एक भी शब्द जो है मतलब नहीं बोल पाई,
कुछ देर तक कोई भी एक शब्द नहीं बोल पाई, यहाँ पर ये सेंटेंस का मीनिंग निकल के आ रहा है। अब हम देखते हैं, तो इस ऑप्शन को देखते हुए हमें क्लियर हो रहा होगा ये प्रीपोजिशन का ही क्वेश्चन है, और प्रीपोजिशन में भी स्टूड के साथ यहाँ सेंटेंस के अकॉर्डिंग कौन सा फिट बैठेगा वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो स्टूड के साथ अबाउट का यहाँ पर यूज़ नहीं होगा, क्योंकि हिंदी मीनिंग जो अगर मैं देखूँ समझूँ इसको तो मीनिंग निकल रहा है कि सामने, तो यहाँ पर स्टूड का जो है प्रीपोजिशन जो यूज़ होगा वो बिफोर का यूज़ होगा। देखिए मैंने कहा ना विद इन सेकेंड आप इसको ध्यान में रखें तो कर सकते हैं सॉल्व। अबाउट का यूज़ मीनिंग नहीं बैठ रहा है यहाँ पर, आफ्टर का यूज़ भी नहीं बैठ रहा है, तो डायरेक्ट आप लगा दीजिए स्टूड के साथ बिफोर, क्योंकि स्टूड बिफोर जो मीनिंग निकलती है इसे हम फ्रेज भी बोलते हैं या फिर फिक्स्ड प्रीपोजिशन, जिसका मतलब होता है इन फ्रंट ऑफ, और इसका यहीं पर ये मीनिंग आपको थोड़े से ध्यान में रखने पड़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। स्टूड अबाउट नहीं होगा, स्टूड टू नहीं होता, स्टूड आफ्टर नहीं होता, तो स्टूड के साथ बिफोर का यूज़ होता है जिसका मतलब होता है इन फ्रंट ऑफ, ये फ्रेज भी कहलाती है या फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। यहाँ पर ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन या फिर प्रीपोजिशन का ही एक क्वेश्चन था फोर्थ, जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर प्रीपोजिशन टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ें, सीडीएस एनडीए के अंदर भी, एयरफोर्स आर्मी क्लर्क सभी में प्रीपोजिशन से रिलेटेड, फिक्स्ड प्रीपोजिशन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। सेंटेंस है हमारा ही इज द फ्रेंड अब हमारे पास यहाँ पर एक ब्लैंक है, आई ट्रस्ट मोस्ट, ये हमारा एक ब्लैंक है जिसको आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर ही इज द फ्रेंड ये लिखा हुआ है, और उसके बाद है आई ट्रस्ट, यानी कि सब्जेक्ट यहाँ पर दो हैं। अब ऑप्शन देखते हैं, तो पहला हमारे सामने जो ऑप्शन है वो है हु, एंड सेकेंड इज हुम, एंड थर्ड वन इज दैट, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा विच। तो आपको इनको देख के ही क्लियर हो रहा होगा ये प्रोनाउन से रिलेटेड क्वेश्चन है, और इसके अंदर भी प्रोनाउन में भी जैसा मैंने कहा तो ये रिलेटेड प्रोनाउन का ही एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखें कि कौन सा ब्लैंक के अंदर हमारा ऑप्शन फिट होगा या अप्रोप्रिएट होगा। ही इज द फ्रेंड आई ट्रस्ट मोस्ट, तो यहाँ पर देखिएगा इस स्टेटमेंट की बात करूँ और रिलेटिव प्रोनाउन की भी अगर मैं बात करूँ, तो रिलेटिव प्रोनाउन दो स्टेटमेंट्स को अगर मैं बात करूँ तो जोड़ने का काम करता है। अब इस स्टेटमेंट में ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, उसके अलावा या ये हेल्पिंग वर्ब किसके रूप में काम कर रही है एज अ मेन वर्ब, और यहाँ पर ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब देखें तो यहाँ पर ये भी एक स्टेटमेंट है जिसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, उसके अलावा ऑब्जेक्ट नहीं है, डायरेक्ट मोस्ट यानी कि यूज़ किया गया है। लेकिन ये जो आई है वो किसके लिए यूज़ हुआ है, फ्रेंड के लिए, तो फ्रेंड यहाँ पर क्या है ऑब्जेक्ट। तो रिलेटिव प्रोनाउन का रूल क्या कहता है कि हु जो यूज़ होता है वो सब्जेक्ट के लिए, अगर यहाँ पर बात इस वाले स्टेटमेंट में सब्जेक्ट की बात होती तो हम हु का यूज़ करते, लेकिन बात इस स्टेटमेंट में किसकी हो रही है, फ्रेंड की बात हो रही है, ही इज़ द फ्रेंड आई ट्रस्ट मोस्ट, इसकी बात हो रही है जिसको आप सब्जेक्ट के रूप में कहा, ये अदर सब्जेक्ट कह रहा है कि जिसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा विश्वास करता हूँ, ऐसा स्टेटमेंट। तो ये सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर देखें तो हु का यूज़ होता है, और होम का यूज जो होता है वो ऑब्जेक्ट के लिए होता है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, फ्रेंड है, तो नियरेस्ट जो होता है उसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ होगा, और दैट का यूज़ यहाँ पर नहीं हो सकता क्योंकि ऑब्जेक्ट वाला ऑप्शन नहीं है। एंड फोर्थ वन इज़ नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ होता है, ये लिविंग थिंग्स है, तो आपका ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट होम।
और ये रिलेटिव प्रोनाउन या प्रोनाउन के जितने भी टाइप्स हैं मैं डिटेल में क्लास में पढ़ा भी चुकी हूँ। तो आपको ध्यान रखना है फिल इन द ब्लैंक्स करते वक्त ग्रामर के रूल्स और स्टेटमेंट्स को भी समझना होता है कि क्या कहना चाहें। चलिए तो आज का ये सेशन यहीं पर फिनिश करती हूँ। नेक्स्ट सेशन के अंदर भी मैं और आपको फिल इन द ब्लैंक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस बताऊँगी, तो उसके लिए आप लोग थोड़ा सा ग्रामर के रूल्स अच्छे से चेक कर लें, उसके बाद हम क्वेश्चंस को देखेंगे। थैंक यू।